हमने कल डिस्कस किया था कि जिस दिशा में जो एनर्जी फील्ड्स डोमिनेंट हैं उनके आधार पर चारों दिशाओं में चार तत्व विराजमान हैं। क्योंकि हम लोग भूमि पर हैं तो केंद्र में भूमि है, ब्रह्म के स्थान पर अर्थ है और उसकी कुछ डिवीजन्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में फैलती है। वो भूमि ही है जो बाकी के तत्वों को बांध के रखती है। क्या बिना किसी बेस के आप अग्नि जला सकते हैं? यहाँ हवा में यूं अग्नि प्रकट हो जाए पॉसिबल है क्या? क्या यूं ही यहाँ पर हवा में पानी का बबूला खड़ा हो जाए पॉसिबल है? उसको एक आधार चाहिए ना। हवा का एहसास करना है तो भी अर्थ चाहिए, और अग्नि को प्रज्वलित करना है तो भी भूमि चाहिए, और पानी को अगर होल्ड करना है तो भी भूमि चाहिए। मिट्टी का बर्तन होल्ड करता है। आकाश तब तक परिभाषित नहीं होता जब तक उसका कोई आवरण ना। आप खुले आकाश को कैसे वर्णित करोगे? तो वो जो उसका आवरण है वो भूमि है। जब अर्थ उसको एक शेप देती है तो उस आकाश की फंक्शनिंग डिफाइन होती है। ये पानी को होल्ड किए हुए है ग्लास। अगर इसमें पानी नहीं है तो क्या है? आकाश है। पर उस आकाश को जो आवरण दिया है इस ग्लास ने, वो भूमि है, वो अर्थ है। उसका आकार क्या है उसके आधार पर किसी भी वस्तु का फंक्शनिंग डिफाइन होता है। अगर ये इतना बड़ा आकाश मैंने एनक्लोज किया तो ये घर बना। अगर वो साइजेस जो हैं वो उसकी फंक्शनिंग को डिफाइन करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी स्पेस की फंक्शनिंग उसके आकार के द्वारा निर्धारित होती है। क्या आप कह सकते हो कि ये ड्रम है? क्योंकि इसका आकार वो नहीं है, ये ग्लास है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने डिफाइन किए हैं, परिभाषित किए हैं, उनको एक आवरण दिया है और उस आवरण का जो शेप वो उसकी फंक्शनिंग डिसाइड करता है। क्या मैं इसमें पानी होल्ड कर सकता हूँ? टिश्यूज तो डॉक्टर साहब सेम ही है सारे। सेल स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में अलग अलग है क्या? पर उनका आकार बताता है कि ये हार्ट होगा, ये लंग होगा, ये इंटेस्टाइन होगी, ये हाथ होगा। पांच तत्व कौन कौन से हैं इसी सीक्वेंस में याद करिएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम जैसे जैसे गहरे उतरेंगे वास्तुशास्त्र में, सीक्वेंसेस नहीं छोड़ने। सीक्वेंस छूटा तो गड़बड़। पांच तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल क्या पैदा करता है? वनस्पति। वनस्पति हमें वाइटल एयर देती है, तो इसलिए वनस्पति को भी एयर कहा जाता है। वनस्पति से ही अग्नि उपजती है और अग्नि ही ऐश के रूप में पृथ्वी तत्व पैदा करती है, और पृथ्वी के भीतर से ही मेटल्स निकलते हैं, धातुएं। वो कोई भी स्पेसिफाइड एटॉमिक स्ट्रक्चर विच डजंट हैज फ्लूडिटी, दैट इज स्पेस, आकाश। वो एटम में भी है वो आकाश, और वो विराट में भी है आकाश। जैसा उन्होंने प्राचीन समय में जो अंडरस्टैंडिंग बनाई, हम उसी अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं। अभी हम इस लॉजिक में नहीं जाएंगे कि अग्नि से तो पृथ्वी नहीं बनती, ऐश थोड़ी ना पृथ्वी होती है। वो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को कुछ क्षणों के लिए साइड में रख दीजिएगा। उसका कारण ये है कि अगर साइकिल कैसे चलता है ये समझने लग गए तो ज़िंदगी में कभी साइकिल तो नहीं चला पाओगे। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ टायर्स विद द रोड आई कैन एक्सप्लेन, बट दैट इज़ यूजलेस। गद्दी पे बैठो, बैलेंस पकड़ना सीखो और साइकिल चलाना सीख लो। आप समझ रहे हैं ना, मेरा स्ट्रेस आपको साइकिल चलाना सिखाने पर है। वो किस वजह से चलता है मेरा उतना कंसर्न नहीं है। आई कैन आंसर, किसी को इंटरेस्ट हो आई कैन आंसर प्रसाइजली, बट देर इज नो पॉइंट, दैट विल मेक इट कॉम्प्लेक्स। पंच तत्वों में जल से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से जल उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। क्या हवा अग्नि को बुझा देगी? क्या पृथ्वी अग्नि को बुझा देगी? क्या स्पेस अग्नि को बुझा देगा? ये फिक्स है, ये लॉजिक फिक्स है कि पानी आग को बुझाता है, आग आकाश को खा जाती है। अगर वो मेटल हो तो वो उसको पिघला देती है, और जितनी जगह पे अग्नि प्रज्वलित होती है आकाश के जितने हिस्से में, उसमें और कुछ नहीं हो सकता। पृथ्वी ही है जो जल को होल्ड करती है। भाई नदी बह रही है तो भी तो पृथ्वी ने होल्ड कर रखा है, समुद्र है तो कहीं तो पृथ्वी ने होल्ड कर रखा है। तो पृथ्वी पानी को ब्लॉक करती है, रोकती है। आकाश मेटल की फॉर्म में वनस्पति को काट देता है,
वायु पृथ्वी को फाड़ती है, क्या अग्नि पृथ्वी को फाड़ती है, क्या जल पृथ्वी को फाड़ता है, एक नन्हा सा बीज पृथ्वी को फाड़ के ही ऊपर आ जाता है। तो ये वायु या वनस्पति जो है वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है और साइकिल ऑफ क्रिएशन है। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन जब चलता है तो ग्रोथ होती है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन जब चलता है तो डिस्ट्रक्शन होता है। और मजे की बात ये है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं, जिंदगी बढ़ रही है कि जिंदगी घट रही है, वो दोनों साथ साथ घटित हो रहे हैं और ये दोनों साथ साथ ही घटित होते हैं। इसी से जीवन का साइकिल चलता है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन हावी हो जाता है तो वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। जब बैलेंस रहता है तो साइकिल ऑफ क्रिएशन उसको ग्रो करवाता है। ये बेसिक फिलॉसफी है पंचतत्वों की। जो जल है, जो ऊपर का कोना है, अगर आप उसको कंसीडर करें जल को कि सेल्फ है, तो आपके कर्म हैं जो वायु है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग कर्मास एंड योर कर्मास क्रिएट रिजल्ट। अग्नि अगर रिजल्ट है तो स्टेटस है पृथ्वी, क्योंकि जो आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया उससे आपका स्टेटस बनता है और वो स्टेटस से आपकी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होते हैं। स्टेटस अगर पृथ्वी है तो सपोर्ट है आकाश, एंड सपोर्ट मेक्स यू, दैट इज सेल्फ। वो जो वायु है वो आपके बच्चे भी हैं। मतलब ये सारे लाइफ साइकिल जो हैं उन्हीं तत्वों के उन पांच फेजेस में आप बहुत कुछ जीते हो जीवन का। मनमोहन सिंह रेडी पे जाके गोलगप्पे तो नहीं खा सकता, आप खा सकते हैं। ईगो नहीं, स्टेटस, वो स्टेटस ही अलाउ नहीं करता, वो स्टेटस ही ब्लॉकेज बन जाता है सेल्फ का। और ये है स्टेटस क्या बनता है, सपोर्ट। आपके स्टेटस की वजह से भी बहुत लोग आपसे जुड़ जाते हैं एंड दे बिकम सपोर्टर्स। तो ये पांच फेजेस हैं लाइफ के जिनको आप प्रतिक्षण जीते हो। पानी क्या है, जो भी चीज़ फ्लो करती है लिक्विड स्टेट में है, नीले रंग की है, नीले रंग का पानी नीला दिखाई पड़ता है। इवन सी ग्रीन, टॉर्क्विज ग्रीन भी हम वाटर लेंगे तो वो फिजिकल फॉर्म में चाहे रंग की फॉर्म में वो वाटर एलिमेंट ही है। हरा और ब्राउन जो कुछ भी है वो वुड ही है। जो पीला है, गोल्डन है, वो अर्थ ही है। जो ग्रे है, सिल्वर कलर है, मेटेलिक कलर है, वो आकाश ही है, वो वाइट भी है। नॉर्थ में अगर चूल्हा नहीं है, लाल रंग भी है, तब भी वो किचन का इफेक्ट ही आएगा। अगर नॉर्थ में पीला रंग है तो वो पृथ्वी तत्व का ही इफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो अर्थ है। फंक्शनिंग की फॉर्म में, कलर की फॉर्म में, यानी कि उपयोग की फॉर्म में, स्टोर का क्या उपयोग होता है, स्टोर करना, तो अर्थ एलिमेंट हो गया स्टोर। तो नॉर्थ में स्टोर होगा तो वाटर ब्लॉक हो जाए। किसी भी जोन का कोई भी एट्रीब्यूट तब डिस्टर्ब होता है जब वहां पर कोई एंटी एलिमेंट एक्टिविटी प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं होगा। फायर मेंटेन करने की कोशिश करती है जब नेचर, तब एक्सीडेंट होता है। हम उसे एक्सीडेंट कहते हैं पर नेचर बैलेंस क्रिएट कर रही है। तो अगर आपने वहां लाल बल्ब भी लगा दिया तो कभी फायर एक्सीडेंट नहीं होगा। लाल बल्ब क्यों? क्योंकि आपने फायर एलिमेंट ऐड कर दिया। ये मर्म है बिल्कुल वास्तु के डायग्नोसिस का। इसको पकड़ लीजिए, बिल्कुल कोर से पकड़ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉब्लम कह रहा है तो उससे रिलेटेड जोन कौन सा है, उसका अपना एलिमेंट कौन सा है और उसमें एंटी एलिमेंट कैसे रिएक्ट हो रहा है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। वहां पर जो फंक्शनिंग भी हो रही है, वहां पर जो स्टोर है, स्टोर किस उसका एट्रीब्यूट है, अर्थ का। तो अर्थ अगर नॉर्थ में आ गई तो वो जोन जो है उसकी नेचुरल ताकत को उसने ब्लॉक कर दिया, प्रॉब्लम इस वजह से होती है। मेरे से आगे कोई कहता है भाई साहब सेल नहीं आ रही फैक्ट्री में, ये प्रॉब्लम आ रही है, और मैं एक सेकंड में उसका जोन जज करने के बाद जान लेता हूं कि ये ऐसे ही बोल रहा है कि पता नहीं बाबा जी कोई दवाई दे देंगे तो सेल और बढ़ जाएगी, ये झूठ बोल रहा है। इतनी ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन सशक्त हो जानी चाहिए, ये लॉजिक नहीं छूटना। इसी की मैं प्रैक्टिस करूंगा अभी आगे आपके साथ बहुत सारी केस स्टडीज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूरम मा ते संगोस्तु कर्मणे। कर्म में ही वह अधिकारस्ते अधिकार है, मा फलेषु, मा यानी नहीं, फलेषु यानी फल की, कदाचन इच्छा न करें, मा कर्म फल हेतु भूरम ते संगोस्तु कर्मणि।
सर इसका मीनिंग ये है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये जो आपने कहा कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, ये रॉन्ग ट्रांसलेशन है और बहुत लोगों ने ये रॉन्ग ट्रांसलेशन आपके जीवन में भर दिया है एक जहर की तरह। कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे, कृष्ण एक्चुअली ये साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो शाश्वत यूनिवर्सल बैलेंस है भाई, तो स्वयं ईश्वर है, तो वो ऐसी बात करेंगे क्या? और फिर और जटिल काम जीजे को समझा रहे थे, तो अर्जुन तो जीजा था ना उनका, बड़ा मुश्किल है जीजे को समझाना, सबसे टेढ़ा काम है दुनिया में, जीजा समझता ही नहीं है, तुम जी जहां से जाओ पर जीजा नहीं समझता। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, ये तुम्हारा डोमेन है। मां फलेषु कदाचन, फल तुम्हारा डोमेन नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि फल की इच्छा मत करो। एक फैक्ट्री चला रहे हैं विमल, वहां पर फोरमैन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई ये माल बढ़िया बना, और वो बोले बाबू जी ये तो एक्सपोर्ट हो गई नहीं, तो आप क्या कहोगे? वही तो कह रहे हैं, वो जीजे को कैसे कहे तीर उठा और अपना काम कर, तू बाकी क्यों दिमाग लगा रहा है, कह तो वही रहे हैं वो डोमेन तेरा नहीं है, तेरा जो डोमेन है तू वो कर, तू उतना कर, बाकी नहीं है। बड़े ट्रिकी थे कृष्ण, और वो पंच तत्वों की सांख्य की बात कर रहे हैं, पूरी गीता सांख्य की एक्सप्लेनेशन है। वो क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा विषय है, तुम इसको पकड़ लो, तुम इसको करो, वो तुम्हारा विषय नहीं है, उस विषय के हेतु मैं साथ खड़ा हूं ना तुम्हारे। वो ये भी नहीं कह रहे कि वो मेरा विषय है मैं देख लूंगा ना, वो पंच तत्वों की बात कर रहे हैं। जल से आप अपना कर्म क्षेत्र चुनते हैं, पर जब आप बहुत अधिक फल के ऊपर फोकस कर लेते हो क्या फायदा है जी, तो वो आप काम ही नहीं कर पाते। जितने लोग ये कहते हैं कि मैंने ये भी किया मैं सफल नहीं हुआ, मैं ये भी किया मैं सफल नहीं हुआ, वो गलत कहते हैं। उन्होंने एक टारगेट बनाया ये चाहिए, और वो जब इमीडिएटली नहीं मिला तो उन्होंने उसको करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कर्म पे ध्यान ना रखते हुए डोमेन दूसरे पे ध्यान रखा। हम क्या कहते हैं कि आप रिजल्ट फोकस करो, हम कहते हैं ना फिर थोड़ा सा बैकफुट पे आओ, डिटेलिंग करो, ताकि आप अपना कर्म डिफाइन कर सकें। मैं आपको रिजल्ट फोकस करवा रहा हूँ ना, हमने पीछे सूत्रों में बात करी कि चाहिए क्या, प्रॉब्लम क्या है, उसको देखो जरूर, पर डिसाइड क्या करो, मुझे क्या करना है। और जब आप आंख बंद करके अपने जोन्स को बैलेंस कर देते हो तो रिजल्ट देने के लिए कौन खड़ा है वो। हमने कल डिस्कस किया था कि जिस दिशा में जो एनर्जी फील्ड्स डोमिनेंट हैं उनके आधार पर चारों दिशाओं में चार तत्व विराजमान हैं। क्योंकि हम लोग भूमि पर हैं तो केंद्र में भूमि है, ब्रह्म के स्थान पर अर्थ है, और उसकी कुछ डिवीजन्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में फैलती है। वो भूमि ही है जो बाकी के तत्वों को बांध के रखती है। क्या बिना किसी बेस के आप अग्नि जला सकते हैं? यहाँ हवा में यूं अग्नि प्रकट हो जाए पॉसिबल है क्या? क्या यूं ही यहाँ पर हवा में पानी का बबूला खड़ा हो जाए पॉसिबल है? उसको एक आधार चाहिए ना। हवा का एहसास करना है तो भी अर्थ चाहिए, और अग्नि को प्रज्वलित करना है तो भी भूमि चाहिए, और पानी को अगर होल्ड करना है तो भी भूमि चाहिए। मिट्टी का बर्तन होल्ड करता है। आकाश तब तक परिभाषित नहीं होता जब तक उसका कोई आवरण ना, आप खुले आकाश को कैसे वर्णित करोगे? तो वो जो उसका आवरण है वो भूमि है। जब अर्थ उसको एक शेप देती है तो उस आकाश की फंक्शनिंग डिफाइन होती है। ये पानी को होल्ड किए हुए है ग्लास, अगर इसमें पानी नहीं है तो क्या है? आकाश है। पर उस आकाश को
जो आवरण दिया है इस ग्लास ने, वो भूमि है, वो अर्थ है। उसका आकार क्या है, उसके आधार पर किसी भी वस्तु का फंक्शनिंग डिफाइन होता है। अगर ये